चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को। आप इनपुट देंगे यूनिट स्टेप और यू विल टेक द आउटपुट। फिर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम देंगे यूनिट रैंप, फिर देंगे पैराबोला और आउटपुट जो रिस्पेक्टिव इनपुट्स के हिसाब से आएंगे वो हम देखते हैं कि क्या होता है। चलिए आपने पिछले वीडियो में आपने क्या किया, आपने डिफाइन किया आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और वो होता है 1/1 s tau। इसको हम देने जा रहे हैं 1/s, दिस इज नथिंग बट योर यूनिट स्टेप। ओके, यहाँ से हम आउटपुट लेने वाले हैं, लेट्स टेक इट सी ऑफ एस। सो सी ऑफ एस यदि आउटपुट है तो ये आउटपुट बड़े प्यार से होने वाला है मल्टीप्लाई विथ 1/s tau, किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए इसको हम टाइम रिस्पॉन्स में लेके आना ना, यानी कि सी ऑफ टी की इक्वेशन बनाना है अपने को। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं, फिर ILT इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। चलो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं इसका। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए दिस इज 1/s, s की जगह 0 रख दीजिए जहां जहां आपको दिखे। सो दिस इज 1/1 और यहां पे 1/s tau। नाउ s की जगह -1/tau रखेंगे जहां जहां आपको दिखे, सो -tau ऊपर चला जाएगा। दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन, ये बताने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैथमेटिक्स में आएगा तो वहां पर लेना। चलो ठीक है, आपके पास जो आया दैट इज 1/s -tau 1/s tau बच्चा, 1/s tau, बात समझ में आ रहा है तेरे को? यस, आ रहा है सर। सो चलो इसको मैं फाइनल इधर लिखता हूँ एक बार आपके लिए इधर लिख लेते हैं इसको, कि आपके पास जो बचा COPS इज नथिंग बट 1/s -tau। यहाँ से tau आप बाहर निकाल के लेके आइए, बिकॉज इसको s प्लस 1/tau वाले फॉर्म में tau गोट कैंसल, यू विल गेट 1 - s 1/1 + s 1 + tau। सो COPS इसका आप लेंगे ILT, सो ILT इज नथिंग बट C(t), दिस विल बिकम U(t) माइनस ये हो जाएगा e to the power minus t by tau u tau। सो दिस इज, वी कैन राइट दिस 1 - 1 - e to the power minus t by tau u(t). दिस इज नथिंग बट योर रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर द इनपुट यूनिट स्टेप्स। किसी को कोई परेशानी नहीं, परेशानी चल दिए, जल्दी से इसको अपन एनालाइज करते हैं। चलिए this is nothing but the response for first order system to the input आपका unit step। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, क्रेश कोर्स में फास्टनेस के चक्कर में इधर उधर बनाने लग गए हम। चलिए इसकी इक्वेशन लिखिए, t = 0 पे इसकी वैल्यू बॉल ये है, t = 0 जैसे पुट करते हैं e to the power minus 0 is 1 होता है, 1 - 1 0। चलिए 0 से शुरुआत होनी है, हाईएस्ट पीक वैल्यू जो इसकी रहनी है वो 1 रहने वाली, बिकॉज t = infinite पे इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, t = 0 पे इसकी वैल्यू होगी वो 0 होगी। सो आपका जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज द रिस्पॉन्स। किसका रिस्पॉन्स? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। किसके लिए? यूनिट स्टेप के लिए। ठीक है बच्चा, सो कुछ पार्ट इसका जो रहेगा दैट इज द ट्रांजिएंट पार्ट, और ट्रांजिएंट के बाद जो स्टार्ट होगा दैट इज सी स्टेडी स्टेट। बात समझ में आ गई बच्चा? चलिए ये इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन तेरे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए, ठीक है। अब यदि एरर की बात हो रही है, सो एरर क्या होता है, तेरा इनपुट क्या है उसमें से माइनस कर देगा COPT, बट एरर की जगह मैं आपका स्टडी स्टेट एरर की बात करूं, ESS स्टडी फाइनल मतलब t = infinite पे क्या एरर होगी, ठीक है। सो इसको क्या नहीं लिख सकता क्या मैं, लिमिट t→∞ E(t) यू आर लुकिंग फॉर इसका एस इक्विवेलेंट देना, जरा इसका एस इक्विवेलेंट देना, हो जाएगी लिमिट s→0 s E(s), इजंट इट, यही हो जाएगा ना, एस इक्विवेलेंट लिख दिया, फाइनल वैल्यू थ्योरम अपन ने पढ़ा है अच्छे से। चल तो ठीक है, यदि ये चीज़ें क्लियर हैं तो ई स्टडी स्टेट मेरे को चाहिए, ई स्टडी स्टेट r(r)∞ माइनस c(∞, ठीक है। r(∞ 1 होता है, यूनिट स्टेप फिर 1 होगा, माइनस c(∞ क्या हो जाएगा, 1 - e to the power minus infinite, सो दिस इज 1 - 1, सो दिस इज 0। सो जरा स्टेडी स्टेट एरर जो होता है ना फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड यूनिट स्टेप इनपुट के लिए 0 होता है, यानी कि आपका t = infinite जो ये इनपुट है वो rt के बराबर बन जाता है, 1 के बराबर बन जाता है, क्लियर है। चलिए अब इसी को आप दोगे
आप इसी इनपुट को बोले तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को आप देने वाले हो, आपका यूनिट रैंप देने वाले हो, आप इसको यूनिट रैंप देने वाले हो, फिर आप इसको पैराबोला भी देने वाले हो। तो इसका एक्सप्रेशन मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। तरीका है याद रखने का टी माइनस टाउ वन माइनस ई टू पर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। आपको ये है रैंप के रिस्पेक्ट में, आपको ये सी ऑफ टाउ चाहिए पैराबोला के रिस्पेक्ट में। कौन बोला भाई? पैराबोला। सो पैराबोला के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा टी बाई टू माइनस टाउ, टी माइनस टाउ वन माइनस ई टू पर माइनस टी बाई टाउ। ये कैसे कर दिया मैंने? सीधी सी बात है, देख बच्चा, सी ऑफ टी जब डेल फंक्शन के लिए निकाला था तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आई थी? टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, ये याद है तेरे को। अब आप इसको यदि यूनिट स्टेप में देखे थे तो वो था वन माइनस टाउ वन बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ टाउ गेट कैंसर, ये था वन माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, यही सी टी था आपके यूनिट स्टेप के लिए, ठीक है। तो याद करने का तरीका सीधा सच्चा सिंपल, और वो ये है कि किसी का भी इनपुट चाहिए तो सबसे पहले उसका लिखो आप, उसका जैसे यूनिट स्टेप है तो वन लिखेंगे, रैंप है तो टी लिखेंगे, टी स्क्वायर बाई टू पैराबोला के केस में लिखेंगे, माइनस टाउ जो पहले रिस्पांस आया था उसको लिख देंगे। जैसे कि आपका स्टार्टिंग रिस्पांस किसका है? यूनिट इंपल्स फंक्शन का है, वो क्या था? वन बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये टाउ से टाउ कैट कैंसिल, यूनिट स्टेप के केस में आपका जो आया था वन बाई टाउ आया था, ठीक है। अब देखो रैंप का लिखना है, रैंप का आपको आउटपुट लिखना है। सो सबसे पहले तो रैंप फंक्शन के लिए टी माइनस टाउ जो अर्लियर आउटपुट था, वो अर्लियर आउटपुट क्या था? वन माइनस टी बाई टाउ, लाइक दिस, ठीक है। तरीका है याद रखने की, अब जिम्मेदारी आपकी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अपन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये जो क्यों देख रहे हैं अपन टाइम रिस्पॉन्स का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो गेट गेट को बिलोंग करता है और जिसमें यू नो गेट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट, और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में एक और पैरामीटर आता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी हेडिंग रहने वाली है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, दिस आर द थ्योरी पार्ट, सो प्लीज़ इसको थोड़ा थोड़ा समझते जाएं, ग्रास्प करते जाएं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए यदि फॉरवर्ड पाथ गेन लिखना चाहूं तो उसकी वैल्यू होती है ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस, टू जीटा ओमेगा एन, ये होता है अपना, यस टू जीटा ओमेगा एन एस, ये होता है आपका फॉरवर्ड पाथ, आपका गेन फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को करने जा रहे हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो आपको एक फीडबैक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेट्स टेक दिस इज इनपुट, दिस इज नथिंग बट योर आउटपुट, यहाँ से आपने यूनिटी फीडबैक लगाया और नेगेटिव लगाया, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन नेगेटिव फीडबैक। आई नो यू आर नॉट द नेगेटिव फेलो, बट यू आर इंटरेस्टेड इन नेगेटिव फीडबैक। चलो नेगेटिव फीडबैक करने के बाद इसका जो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेगा बच्चा, ट्रांसफर फंक्शन जिसके लिए तू प्रयास कर रहा है और वही तेरा सपना है कि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, सो वो जो होता है प्यारे बच्चे, वो होता है ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, है ना। यही पढ़ा होगा ना, यूनिवर्सिटी में भी यही पढ़ा होगा, गेट के कुछ क्वेश्चन भी तूने ट्राई किए होंगे खुद से, उसमें भी यही पढ़ा होगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम का फंक्शन जो है ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया, अब ये सारा सब मिटा दूं तो क्या फर्क पड़ता है? तो चलो एक सिंगल बॉक्स, उस सिंगल बॉक्स में उसका ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, वाह, यही तो याद रखना है, बस यही याद रखना है। अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को आपने सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दिया प्यारे बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का फिर से टाइप और ऑर्डर यदि एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो ऑर्डर तो सेकेंड है, ओके, व्हाट अबाउट द टाइप? टाइप इज वन, अरे इसका ओपन जो फॉरवर्ड गेन था उसको कंसिडर करेगा ना, दैट वॉज नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस, यहाँ एस कॉमन आ सकता है, सो दिस इज नथिंग बट ओमेगा एन स्क्वायर, एस कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एस टू जीटा ओमेगा एन। तो टाइप क्या हो गया? पोल एट ओरिजिन वन है, सो इसका टाइप जो होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का वो होता है वन, ऑर्डर जो होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का होता है चू। चीज क्लियर है तेरे को? चल आगे बढ़ते हैं। सो टाइप एंड ऑर्डर इज क्लियर, नाउ हम देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कुछ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ रहा है, ये जीटा और ओमेगा एन, ये क्या है सर? जीटा और ओमेगा एन पर प्रकाश डालिए, चल के प्रकाश डालते हैं जीटा और ओमेगा एन में। जीटा जो होता है बच्चा, इसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो, जीटा जो होता है इसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो,
डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। ओमेगा एन जो है इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन, ठीक है, OST। मैं तेरा पूछ छोड़ दिया, स्पेलिंग तेरे को आती है, ठीक है। तो जीटा एंड ओमेगा एन की वैल्यू में देख लिया कि जीटा क्या है, ओमेगा एन क्या है, और नेचुरल ऑसिलेशन कहाँ से आ गए। सेकंड ऑर्डर सिस्टम मोस्टली ऑसिलेटरी सिस्टम से ही होते हैं। सेकंड ऑर्डर सिस्टम जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाता है सिस्टम में ऑसिलेशन बढ़ते जाते हैं। तो ऑसिलेशन को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम में डैम्पिंग रेशियो भी आपके साथ है, जीटा, ये डैम्पिंग फैक्टर बनाता है दोनों मिलके, यानी कि जीटा ओमेगा एन यदि मैं लिखूं तो इसको मैं बोलता हूं डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर इन दोनों को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो, इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नाउ सिस्टम में डैम्पिंग रेशियो और इसका डैम्पिंग आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी का क्या इफेक्ट है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपका जो इनपुट है हम इसमें लगाने वाले हैं इनपुट। इनपुट क्या हो सकता है, डेल फंक्शन होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन हो सकता है, रैंप फंक्शन होता है, पैराबोला फंक्शन हो सकता है। आउटपुट क्या होगा, हर एक के रिस्पेक्ट पे अलग अलग आउटपुट होने वाला है तेरे लिए। यस सर, आउटपुट सभी के लिए अलग अलग मिलने वाला है। अब मेरे को एक बात बता, जब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था तो उसमें इनपुट दिया था आउटपुट लिया था ना, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन था, ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ था इनपुट का और तेरे को आउटपुट मिल गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के पैरामीटर्स में सिर्फ टाइम कॉन्स्टेंट था, बाकी एस के कुछ टर्म्स थे। बट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में तेरा टाइम कॉन्स्टेंट की बजाय आपको जीटा और ओमेगा एन टाइप की दो डिफरेंट चीज़ें मिल गई। सो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में इनपुट दिया, आउटपुट लिया, आउटपुट जो एंटायरली डिपेंड करता है ना वो जीटा पे करता है, ये जीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है आउटपुट। जीटा मोल्ड कर सकता है कि आउटपुट कैसा हो, वन बाय वन चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे। सो जब भी इनपुट देगा डेल फंक्शन, यूनिट फंक्शन, रैंप फंक्शन, पैराबोला फंक्शन, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट में भी जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आउटपुट हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए चीजें क्लियर हो गई। क्रिस कोर्स के हिसाब से आने वाले टाइम में यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास आप कुछ और अच्छी चीजें देखेंगे, इंडेक्स कंट्रोल सिस्टम, ओके। चलिए हम अब आते हैं आपके इस पार्ट के लिए, ओके। इस पे हम दिया आपको डेल थी दिया, आपको आउटपुट में जो मिल जाएगा रज्जा वो मिल जाएगा। डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि लेगा तो वो आएगा 1, ये इस डोमेन में ऑलरेडी है। सो आपका आउटपुट फॉर द यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज नथिंग बट ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब जीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आउटपुट आएंगे। जीटा की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। जीटा की वैल्यू में ले लिया सपोज नेगेटिव, जीटा की वैल्यू में सपोज ले लिया नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, जीटा की वैल्यू नेगेटिव लेने से भाई सिस्टम में क्या भूचाल आ जाएगा, चलो देखते हैं जरा। जीटा की वैल्यू ले लिया आपने नेगेटिव, एक्सट्रीमली सॉरी, लेट मी चेक सम वाटर। जीटा की वैल्यू है भाई, ये तेरे सिस्टम का आउटपुट, ये तेरे सिस्टम के पोल्स, पोल्स की लोकेशन को देख के आप ये बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल है या सिस्टम है कि नहीं, ये बता सकते हो। अच्छा बच्चे, जीटा की वैल्यू हो जाए लेस देन 0, एस स्क्वायर माइनस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। भाई लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू ना, 0 से इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन मान लिया जीटा की नेगेटिव वैल्यूज। चलिए ठीक है, अब ये यदि पोल्स हैं तेरे, इस इक्वेशन को 0 के इक्वेट कर देगा तो तेरे पोल्स आएंगे, राइट। सो जब भी एक इक्वेशन में साइन माइनस का हो बाकी सारे प्लस हो तो पक्का उसका जो पोल्स आएगा वो RHS के आने हैं, निकाल के देख ले। एक इक्वेशन ले ले खुद से, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, निकाल ले, इसके जो पोल्स आएंगे वो RHS के आएंगे। इस इक्वेशन में यदि जीटा लेस देन 0 हो जाता है तो पक्का इसके जो पोल्स है RHS में चले जाएंगे, चाहे एक चला जाए, और एक भी यदि RHS में चला जाएगा तो मेरे को बता राजा तेरे पोल्स जो हैं वो RHS में आ गए, RHS में आ गए तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया प्यारे बच्चे।
सो जीटा की वैल्यू लेस देन जीरो जब होगी तो सिस्टम ही अनस्टेबल हो जाएगा. सो जीटा की वैल्यू कभी भी जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ओके, चलो अपन आगे बढ़ते हैं अब. सो सिस्टम स्टेबल होगा सिर्फ और सिर्फ जीटा की कौन सी वैल्यू पे, देन जीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, इनफाइनाइट से कम होगी, सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा. तो अब हम देखते हैं कि जीटा की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं. चलो जीटा की वैल्यू जीरो रखते हैं, ये तो रिस्पॉन्स है आपका. ठीक है, आपका आपका इस डोमेन में है, इस डोमेन में. चलो जीटा की वैल्यू मान लो जीरो होती, जीटा की वैल्यू जीरो होती तो मैं पोल्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा. पोल्स आप देंगे इस इक्वेशन से, ये हो जाती एस स्क्वायर प्लस टू, जीरो रख दिया, ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन और नॉट, ये आपके रूट्स आ गए, ये आपके रूट्स आ गए. जीटा की वैल्यू आपने जीरो रखी, आपके रूट्स आ गए कुछ ऐसे. सो प्यारे बच्चे, आपकी जो मुद्दा है, आपका आपके जो पोल्स हैं वो आ रहे हैं किस पे, आपके जो पोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस पे. एक आ रहा है जे ओमेगा एन, दूसरा आ रहा है माइनस जे ओमेगा एन. अब जब भी इमेजिनरी एक्सिस पे यदि पोल्स आ जाए तो सिस्टम क्या रहता है, मार्जिनल स्टेबल, ओसिलेटरी रहता है. दिस इज नथिंग बट मार्जिनल स्टेबल ओसिलेटरी सिग्नल. ठीक है, ओसिलेटरी सिस्टम, ओसिलेटरी ये जो सिस्टम होगा अभी, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो ओसिलेटरी होगा. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज साइन फंक्शन ना, जब सपोज साइन लिखा रहता है साइन टी, इसका उसमें क्या होता है इस स्क्वायर प्लस वन, ये रूट्स है तो ये क्या आ गया प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन जे. सो साइन फंक्शन, साइन फंक्शन आउटपुट कैसा होता है रे, सपोज इसका मैं शो करना चाहूँ तो वो होगा कुछ ऐसा. ये सिस्टम का रिस्पॉन्स है ना, सिस्टम का रिस्पॉन्स है. सो जीटा की वैल्यू जब भी जीरो होती है सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है ओसिलेटरी, ये नेचुरल ओसिलेशन. और इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं अनडैम्ड सिस्टम, अनडैम्ड सिस्टम, अनडैम्ड सिस्टम. ठीक है, जीटा की वैल्यू जीरो के लिए सिस्टम बन जाता है अनडैम्ड सिस्टम. नाउ जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए सिस्टम को खंगालते हैं, उसके बाद सिर्फ मुद्दे पे आएंगे कि कौन जरूरी है. जरूरी जो गेट के हिसाब से है कि आपका सिस्टम तो आपको सेकेंड ऑर्डर चाहिए, इनपुट आपको यूनिट स्टेप चाहिए, जीटा की रेंज जीरो से लेके वन में चाहिए. इसके रिस्पेक्ट में जो भी आउटपुट होगा यही इम्पोर्टेंट है. देयर आर सो मैनी कंडीशन ना, आपको चार तो इनपुट है और जीटा की भी चार रेंजेस है जो अपने को देखनी है. कौन कौन सी देखेंगे, जीटा इक्वल टू जीरो जो कि अभी देख लिए, अभी जीटा की जीरो से वन में देखेंगे, फिर जीटा को वन के बराबर देखेंगे, फिर जीटा को ग्रेटर देन वन देखेंगे. तो चार तो कंडीशन हो गई तेरी किसकी, जीटा की. उसके बाद आपके इनपुट कौन से हो गए भाई, डेल फंक्शन हो गया, आपका यूनिट स्टेप हो गया, रैंप फंक्शन हो गया, पैराबोला फंक्शन हो गया. तो चार और चार इनको मिलके 16 कंडीशन बनाई जा सकती है, लेकिन जो गेट के लिए इम्पोर्टेंट है वो है सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन. ठीक है, फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये दिस एंटायर थिंग इज फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे हम आगे की कहानी.